गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लगता है सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्लास होगी। सबको मैंने बता रखा है सुबह उठ के क्या कर लेना है, ऐप को चेक करना है कि वही स्पेशल क्लास तो कोई नहीं लगा रखी है, बता रखी है ना। उसके बाद भी जो है शाम को 7:30 बजे की क्लास खोलेंगे। अरे आज 2 स्पेशल क्लास हुई, हमें तो पता नहीं चला। सौ सौ तरह की बातें करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। और ये सब बच्चे यूपीपीसीएस पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्यों गौरव एंड रौनक, समझ रहे हो? ये सब पहले अटेम्प्ट में जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रोज सुबह उठ के हमें देखना है। चलो कोई बात नहीं, विंड सिस्टम होगा आज। अभी 1:10 बजे क्लास है और उसके बाद फिर 2 बजे भी क्लास है, ठीक है? और विंड सिस्टम को एकदम हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे और वो बच्चे क्या करेंगे रिकॉर्डेड वर्जन देख के समझेंगे, ठीक? तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। यूपीपीसीएस और UP SSSC प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अनअकैडमी ऐप जब आप डाउनलोड करते हो तो उसके बाद जो है आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है और उसके बाद आपको सिलेक्ट योर गोल करना पड़ता है। सिलेक्ट योर गोल में UPPCS, UP SSSC, State PCSC कैटेगरी में आपको गोल मिल जाता है और उसके बाद बहुत सारी आप फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हो, ठीक है? पेन चल रही है, हाँ चल गया। तो आप बहुत सारी क्या कर सकते हैं, फ्री लाइव डेमो क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद। अनअकैडमी पे आने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं इसको प्लीज ध्यान से सुनिए, खासकर स्पेशल क्लास वाले बच्चे। अनअकैडमी में 2 तरह की क्लास होती है, एक होती है स्पेशल क्लास और एक होती है क्या आपकी प्लस की क्लास। स्पेशल क्लास जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और एक तरीके से डेमो क्लास होती है जिससे आप देख लो कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है और अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म कैसे चलता है, उससे आप हैबिचुअल हो जाए। और जब आपको जब ये समझ में आ जाए तो उसके बाद आप प्लस की क्लास में आइए जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और अभी तक जितने ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अनअकैडमी से वो सब अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्राइबर थे। वो इसलिए थे क्योंकि प्लस में आपको एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया जाता है। प्लस में आपके 50 से थोड़े ज्यादा एजुकेटर की टीम है और सब क्या करते हैं अपने अपने तरफ से अपना अपना बेस्ट देते हैं। वो टीचर स्पेशल क्लास में भी आते हैं, जैसे मैं भी एक उनमें से एक हूँ, आज आपको स्पेशल क्लास में आया, लेकिन हम कंटिन्यूअस स्पेशल क्लास में नहीं आते हैं, ठीक है ना? क्यों, डेमो क्लास हम कितनी दें? और कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया डेमो क्लास करने से सबकी हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, आप स्पेशल क्लास करके हार्डली 10% भी कर लो ना तो बहुत बड़ी बात है, हार्डली बोल रहा हूँ, ठीक है? यानी कि अनअकैडमी खुद क्या कह रही है कि आप आइए प्लस में, और इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कुछ जो है सब्सक्रिप्शन में बात जो है बाध्य कर रहे हैं। ये सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो हाई स्कूल इंटर की ट्यूशन फीस से भी कम है और इसमें आपको कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस, कंप्लीट इंटरव्यू और आपके बाकी सारे नोट्स सब कुछ मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये हिंदुस्तान की सबसे कम फीस में अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं, रैंक भी दे रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि स्पेशल क्लास में ज्यादा नहीं टिकना है, वहां से तुरंत प्लस के सब्सक्रिप्शन में क्या कर देना है आपको आ जाना है, ठीक है? अगर आप ऐसा कर रहे हो, और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, 2 से 3, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने स्पेशल स्पेशल, 24 तारीख को पेपर है, कल 24 तारीख है, आप खुद देख लेना कि आपको स्पेशल क्लास से कितनी सहायता मिली और प्लस की क्लास से कितनी सहायता मिली, ठीक है?
प्लस वाले बच्चे इजीली कल का पेपर क्वालिफाई करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना, सारा कोर्स उनका पूरा कराया गया है, सारे नोट्स उनको दिए गए। आप अगर प्लस में नहीं आते हो तो आप इस चीज से वंचित रह जाते हो। प्लस में आने पे और क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, कोई भी क्लास कहीं से भी कर सकते हो, जॉब में हो या किसी कारणवश क्लास छूट जाते हो तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो आप। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है बेस्ट एजुकेटर और बेस्ट इन्फ्लुएंसर से पढ़ने की, ये अपॉर्चुनिटी आपको स्पेशल क्लास में नहीं मिलती है, ठीक है। वैसे भी स्पेशल क्लास में 200 से ज्यादा टीचर स्पेशल क्लास लेते हैं, लेकिन प्लस क्लास केवल 50 के आसपास टीचर लेते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि प्लस में किस तरह की क्वालिटी मेंटेन की जाती है। यहाँ पे आपके पास एक्सेस रहता है कि आप जो है एक ही रेफरल कोड से किसी भी टीचर का कोई सा भी कोर्स देख सकते हो। किसी भी नए कोर्स के लिए अलग से फीस नहीं देनी पड़ती जब तक आप पर टाइम पीरियड वैलिड है। आपको 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और तब तक सारे बैचों में आप ऑलरेडी क्या कर सकते हो, एंट्री मार सकते हो। स्ट्रक्चर पीडागोगी होती है, समय के संग आपका सिलेबस क्या किया जाता है खत्म कराया जाता है, जिस तरीके से इस बार हमने करा। पल्लवी को अब मिनरल्स डेटा जो है याद आ रहा है, मिनरल्स हमने स्पेशल क्लास में करा था जो आर्थिकी वाली चल रही थी, सारे मिनरल्स कर लिए थे, ठीक है ना। आर्थिकी से, आर्थिकी है तो खुद कर लो, अब क्लास मत ढूंढो। इवेंट्स जैसे आपके वर्कशॉप, स्ट्रेटजी, मास्टर क्लासेस, ये भी होते हैं जिससे बच्चा एकदम क्या रहे, स्ट्रीमलाइन रहे पढ़ाई में। आपके क्विज होते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज होती है, ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है। आपके स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिलते हैं, आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और हर चौथी क्लास डाउट सेशन होती है जिससे सारे आपके डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। अनअकैडमी ने फिर से लर्नर टेस्टिमोनियल, यानी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े हैं, उनके थोड़े क्या है व्यू आपके सामने रखे हैं। क्या पता इससे देख के आपको खुद पता चल जाए कि मुकेश कुमार सिंह की क्लास किस लेवल की है और किस लेवल की नहीं है, ठीक है ना। चलो कुछ लर्नर के टेस्टिमोनियल पढ़ते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें जो है असली रूप के इक्के तो दिखाई नहीं जा रहे। असली रूप के कौन है, जो उप जिलाधिकारी हैं, जो DYSP है, उनका टेस्टिमोनियल कब आएगा। और ये लगातार नहीं आता, 15-20 दिन पहले आया था या 1 महीने पहले आया था, फिर अचानक से दोबारा लाने लग गए। इसको अगर हम कंटिन्यूअसली लाएं तो बहुत सारे बच्चे जो है जो ये सोचते हैं ना कि प्लस में पढ़ाई नहीं होती, ये उनका परसेप्शन दूर हो जाए कि प्लस में पढ़ाई होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो स्वप्निल, इनकी रैंक 1 आई थी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर में। ये जो है अनअकैडमी को क्या दे रहे हैं, अपना एक तरीके से व्यू दे रहे हैं कि उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक GS2, GS3 ये सब अच्छी तरीके से समझे, रोमन सर की टीम और रोमन सर के द्वारा बताए गए व्यू से, ठीक है। तो रोमन सर भी अपने क्या करते थे, वीडियो निकालते थे तो वहां से देखते होंगे। दूसरा है मनोज कुमार झा, ये भी कह रहे हैं कि भैया अनअकैडमी ने मॉक इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया था वो, और स्पेशली उसमें UPPCS के एक्स चेयरमैन थे, ये वही इंटरव्यू थे जिसमें मैं भी जो है क्या था पैनल का पार्ट था, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था केवल अनअकैडमी के पास वो पैनल था जिसमें पूर्व क्या आपके चेयरमैन UPPCS के अनिरुद्ध यादव सर भी क्या कर रहे थे, बैठे थे, और उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। ये भी बच्चा क्या है बात कर रहा है, इस बच्चे ने भी इंटरव्यू दिया था अनअकैडमी पे, इस बच्चे ने भी अनअकैडमी में इंटरव्यू दिया था, तो ये इंटरव्यू वाले बच्चे हैं। फिर उसके बाद जो है आपके शेखर भट्ट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बने, इन्होंने भी जो है अनअकैडमी से करंट अफेयर और इंटरव्यू प्रोग्राम लिया। और उसके बाद ये है अनअकैडमी का बच्चा जो सही में अनअकैडमी से पढ़ा था और उसने क्या क्या लिख रखा है, देखो क्या आपको ये नाम दिख रहा है, मुकेश कुमार सिंह सर, ये मैं ही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति बन चुका हूँ और मैं स्पेशल क्लास लेने रोज नहीं आता हूँ। और यही अपने आप में दिखाता है कि अगर कोई कह रहा है कि आई ज्वाइन अन अकेडमी प्लस कोर्स, तो यानी कि प्लस कोर्स के बारे में वो बता रहा है। और अगर किसको फॉलो करा उसने, मुकेश कुमार सिंह सर को फॉलो किया, और ये लगातार 2 बार सेलेक्ट हुआ है। इस बार जो है ये नायब तहसीलदार बना है, इससे पहले जो है ये कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बना था। और जितनी बार भी पेपर देगा उतनी बार सेलेक्ट होगा, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी क्या करा करती है, हमने प्रिपरेशन करा रखी है, ठीक है। UPPCS मेंस कोर्स में आया था ये। फिर क्या लिख रहा है, ही कनेक्ट्स विद स्टूडेंट एंड ऑलवेज सॉल्व इशू रिलेटेड। मुकेश कुमार सिंह सारे स्टूडेंट से कनेक्ट रहते हैं, इशू सॉल्व करते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू हैव सच ए ऑसम टीचर लाइक हिम, ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट ए फिलोसफर एज वेल। तो वो उसकी सोच है कि फिलोसफर मानना है, मैं तो अपने आप को ना टीचर मानता हूँ ना और अपने आप को फिलोसफर मानता हूँ, ठीक है ना।
तो ये चार टेस्टिमोनियल है, चार में से तीन इंटरव्यू वाले हैं, तो इंटरव्यू वाले को तो हम क्लेम करते ही नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए। बाकी ये जो है असली प्लस के प्लेटफॉर्म का बच्चा है, और जो ये बात बता रहा है वो कहाँ से पढ़ा है कहाँ से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर बच्चों को मैं कहता हूँ कि भैया एमकेएस लाइव यूज कर लो, तो उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, नखरे दिखाते हैं कि एमकेएस लाइव क्यों यूज करें। तो मैं धीरे धीरे पता चलेगा, ये तो एक पंकज नहीं, जितने भी यहाँ पे बच्चे निकले हैं 100% एमकेएस लाइव वाले हैं या मुकेश कुमार सिंह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो टेस्टिमोनियल कब लगाए जाएंगे, हम तो चैलेंज करते हैं लगाओ टेस्टिमोनियल। ये क्या टेस्टिमोनियल लगा रहे हो, शेखर भट्ट का जिसने इंटरव्यू दिया, मनोज कुमार झा का इंटरव्यू दिया, सपनील का, अरे हमारे पास खुद के 36 से ज्यादा बच्चे हैं जिसने अनअकैडमी पे पढ़ के सिलेक्शन लिया है, और सबसे बड़ी बात उसमें 17 उप जिलाधिकारी है, उनका टेस्टिमोनियल कब आएगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और जिस दिन उनका टेस्टिमोनियल आ गया, सब जगह मुकेश कुमार सिंह मुकेश कुमार सिंह मुकेश कुमार सिंह, यानी क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, शायद इसीलिए नहीं लगाते होंगे। तो इस चीज से मैं हमेशा खपा रहता हूँ, लेकिन इसकी कोई सुन, बच्चा गुमराह हो जाएगा ना, बच्चा सोचेगा कि तुमने क्या प्रोड्यूस करा है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर ये, जब हमारे पास डिप्टी कलेक्टर खुद के हैं और मुकेश कुमार सिंह की क्लास के हैं, प्रीलिम्स कम मेंस सब कुछ पढ़ने के बाद, तो उनका लगाया जाए ना, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं क्यों ये कोई ये पोस्ट में अच्छी नहीं मानता, सीटीओ वीटीओ ये सब लगाना है तो डिप्टी कलेक्टर का लगाओ। लेकिन अगर डिप्टी कलेक्टर का लगा दिया तो भैया उनके टेस्टिमोनियल में मुकेश कुमार सिंह लिखा होगा, फिर क्या होगा, जो ये वन लाइनर और ये सारी चीजें कहाँ से चलेंगी। तो ये सब दिक्कतें हैं, आप समझा करो। तो आप तो मान रहे हो अपने, चलो एक ही बच्चे का लगाया कि अपने टीचर को सर्टिफाइड टीचर मान रहे हो कि नहीं मान रहे, मान रहे हो नहीं मान रहे, ठीक है ना। तो प्लीज जो स्पेशल क्लास वाले बच्चे अभी भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, तो ये एमकेएस लाइव को अभी भी यूज कर ले और अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म पे आ जाए, केवल स्पेशल क्लास में अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है ना। प्लस में आइए, सिस्टमेटिक वे से पढ़िए। चलो अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। विंड आज का टॉपिक है, और ये वाली क्लास और 2 बजे वाली क्लास है, पूरा विंड सिस्टम खत्म कर देंगे। जो बच्चे नहीं आए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि वो क्या है, ऐप देखना नहीं जानते, जबकि मैंने रोज कहा है, रोज सुबह उठ के क्या करना है आपको, ऐप खोल के देखना है, स्पेशल क्लास और प्लस क्लास को सी ऑल करके देखना, चुपचाप क्लास में आ जाना, लेकिन कोई क्लास में नहीं आया। चलो विंड क्या होती है, आपने महसूस करी होगी, हवा चल रही है पूरे दिन भर कहते रहते हो, तो विंड एक तरीके से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का। विंड क्या होता है बच्चों, विंड इज दी हॉरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर अरे पेन चलना बंद हो गया हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। अब देखो अपना हाथ ऐसे करो, अगर ऐसे ऐसे है दिस इज द हॉरिजेंटल, और ऐसे ऊपर नीचे है तो है वर्टिकल। विंड कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है ना। एयर का हॉरिजेंटल मूवमेंट विंड कहलाता है, ठीक है ना। और ये किससे होता है, ये होता है कॉज्ड बाई, ऐसा मूवमेंट क्यों हो रहा होता है, इसके पीछे दो कारण है, एक है सन की हीटिंग, हीटिंग ऑफ सन, और दूसरा कारण है आपका रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपनी, ये हमारी पृथ्वी है, इसकी एक्सेस होती है तो अपने एक्सेस से भी तो घूमती है चारों तरफ, भाई पृथ्वी नहीं घूमेगी तो दिन रात कैसे होंगे, 24 घंटे में होंगे नहीं, आपको पता है पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है, ठीक है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने का कारण और सूरज भगवान के द्वारा करी गई हीटिंग के कारण क्या होता है, विंड बनती है। क्या ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया, कैसे बनती है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही समझने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है। और वैसे भी मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा, आप लोग अपनी बेकार बेकार चीजें क्लास में प्रोड्यूस करोगे, उससे कुछ फायदा होगा नहीं।
चलो अब आपको पता चल गया कि भैया हीट, हीटिंग ऑफ सन और रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन ईस्ट एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूम रही है, उससे क्या हो रहा है, हमारा विंड का मूवमेंट चल रहा है। सबसे सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सन क्यों उत्तरदायी है, सूरज भगवान क्यों उत्तरदायी है, समझते हैं। मान लो एक प्लेस ए है और ये ए प्लेस बी है, ठीक है। अब सूरज भगवान अपनी हीटिंग कर रहे हैं, यानी कि सूरज भगवान यहाँ भी किरणें फेंक रहे हैं, यहाँ भी किरणें फेंक रहे हैं। सूरज भगवान अपनी तरफ से तो किरणें समान भेज रहे हैं, लेकिन उस स्थल की खुद की टोपोग्राफी भी बहुत डिपेंड करेगी कि वहां पे कितना ज्यादा गर्म होगा। आप पूरी दुनिया को एक साथ गर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहीं पे क्या होंगी, किरणें लौट के भी जा रही होंगी, कहीं पे पहाड़ पठार है तो वहां पे छाया आ रही होगी, धूप नहीं जा रही होगी, तो बहुत सारे छोटे मोटे लोकल कारण हो सकते हैं। लेकिन हम उन कारणों को न समझ के फिजिक्स को समझें, तो फिजिक्स क्या कहती है, मैं यहाँ पे क्लू दे देता हूँ कि ए नामक स्थान पे ज्यादा हीटिंग हो रही है, यानी यहाँ पे क्या है बच्चों, हीटिंग ज्यादा है। तो हीटिंग ज्यादा का मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये गर्म ज्यादा है, सही है सर नो। और बी वाला प्लेस पे क्या है, मान लेते हैं हीटिंग कम है। अब ये मत कहना सर क्यों कम है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मैं इमेजिन करवा रहा हूँ। मान लो कि हीटिंग कम है, आगे चल के देखेंगे बहुत सारे पेड़, मान लो पेड़ पौधे हो गए तो फिर हीटिंग कम नहीं हो जाएगी, पेड़ पौधे नीचे तक कहाँ तक आने देते हैं सूरज की रोशनी। पहाड़ आ गया, पठार आ गया, तो बहुत सारे कारण होते हैं, तालाब आ गया, ठीक। तो बी पे कम हीटिंग हो रही है। अब इस हीटिंग से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। जहां पे हीटिंग ज्यादा होती है, आज से थंब रूल याद कर लो, वहां पे लो प्रेशर कॉज होता है। और जहां पे हीटिंग कम होती है, यानी कि वो क्या है, ठंडा है, रिलेटिवली देखा जाता है। ठंडे का मतलब हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या बर्फ की तरह नहीं होता, ठंडा रिलेटिवली देखा जाता है। जैसे मान लो दो बीकर रखे हैं आपके सामने, एक बीकर में 30 डिग्री टेम्परेचर है पानी का, और बीकर नंबर बी में 29 डिग्री है, तो 29 डिग्री वाला ठंडा है, क्यों, रिलेटिवली देख रहे हैं, 30 की तुलना में तो ठंडा है ना, ठीक है। तो हमेशा आसपास के रिलेशन में ही टेम्परेचर को देखा जाता है, ठीक है। तो इसके आसपास के रिलेशन में टेम्परेचर को देखा जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि ये गर्म है, तो गर्म वाला क्या होगा, लो प्रेशर, और ठंडा वाला होगा हाई प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट होगा वहां पे। और हमेशा याद रखना, विंड जो बहेगी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी, यानी इस केस में बी नामक स्थान से हवा ए नामक स्थान की तरफ चलने लगेगी। क्यों चलने लग गई, क्योंकि हमने देखा कि विंड का मूवमेंट कैसे होता है बच्चों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर गर्म होने पे लो प्रेशर ही क्यों बना, कम गर्म होने पे यानी ठंडा होने पे हाई प्रेशर ही क्यों बना, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। अभी कम से कम इतना नियम तो याद करो बच्चों, नियम के बाद हम उसको क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। अगर आप पहली क्लास में सोचो कि उसे प्रूव करके दिखाओ तो फिर नहीं हो सकता मामला। अभी क्या हमारा नियम बना कि गर्म ज्यादा वहां पे लो प्रेशर, जहां पे गर्म कम यानी ठंडा बोलेंगे वहां पे हाई प्रेशर। तो जहां पे ठंडा होता है वहां पे हाई प्रेशर, जहां पे गर्म होता है वहां पे लो प्रेशर, क्लियर। अभी इतना ही समझने की कोशिश करें, तभी हम विंड को समझ पाएंगे। और कोई बच्चा ये मत सोचना कि सर बता नहीं पा रहे, कि ये बहुत ही आसान है, सब बताऊंगा, इतना बताऊंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप क्रॉस चेक कर लेना, ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गई है आपकी, ठीक है ना, हिस्ट्री भी चल रही है आपकी, इकोनॉमिक्स भी चलाई, अब ज्योग्राफी पे कूद गए, ऐसे करके सारे विषय पे कूदूंगा, और सारे विषय को आप क्रॉस कंपैरिजन कभी भी 24x7 कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। लेकिन मेरे को मेरी स्टाइल से पढ़ाने का क्या करो, अवसर प्रदान करने दो, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। मैं मान के चल रहा हूं यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई है कि हीटिंग ऑफ द सन किस तरीके से विंड चलवाती है, यानी कि हीटिंग ऑफ सन कहीं पे हाई प्रेशर कॉज करती है, कहीं पे लो प्रेशर कॉज करती है, और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी अपने क्या है, जब एक्सिस पे रोटेट करती है तो क्या होता है, समझते हैं। ये हमारी जो है अर्थ है,
आपको पता है अर्थ का शेप कुछ अंडाकार, एकदम गोलाकार नहीं है, यानी चपटी टाइप की इस तरीके से। ठीक, अगर हम पृथ्वी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका, ये बीच में इक्वेटर होती है। जो पहली बार समझ रहे हैं तो वो याद करो तभी समझ पाओगे, नहीं तो वो सर यहीं पे इक्वेटर क्यों होती है। ठीक है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो कहलाता है इक्वेटर, या इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये ऊपर का और नीचे का भाग एक ही है, बराबर भागों में बांट रही नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक, क्योंकि हमें ज्योग्राफी पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें लाइनें खींचनी पड़ेंगी, तो उसको हमने इमेजिनरी लाइन को क्या बना दिया, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे, इक्वेटर बना दिया, और उसको मार दिया हमने 0 डिग्री। ठीक है, और नाम दे दिया इक्वेटर, EQ मतलब इक्वेटर। ठीक है, पेन चलना बंद हो गया फिर से। तो ये इक्वेटर EQ UATOR है ये। अब इन्होंने क्या करा कि इक्वेटर ने पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटा है, तो इक्वेटर के नॉर्थ वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध रख दिया और इक्वेटर के साउथ वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध रख दिया, जिसको हम क्या रखते बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। यानी कि आप समझ पा रहे हो मेरा पेन नहीं चल रहा, यानी इक्वेटर के ऊपर वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के नीचे वाला है क्या आपका सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं इक्वेटर वो लाइन है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, क्लियर, ये हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना, क्लियर। फिर आपको पता है कि अगर पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूम रही है, ठीक है, ये पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूम रही है, और पृथ्वी हमेशा जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, यानी अगर हम दिशाओं का बोध करें तो ये होती है वेस्ट, ये होती है ईस्ट, ये होती है नॉर्थ, और ये होती है आपकी साउथ। ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा, तो यानी पृथ्वी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट, यानी इस तरीके से घूमती है जैसे यहाँ पे निशान लगा है। देखो जैसे मान लो ये गोला है कोई, आप गोले को ऐसे भी तो घुमा सकते हो और ऐसे भी घुमा सकते हो, अपने हाथ को ऐसे ऐसे करो, अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो ये क्या होगा आपका वेस्ट टू ईस्ट, और अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो क्या होगा ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन पृथ्वी कैसे घूमती है, वेस्ट इधर है, यानी ऐसे ऐसे करके देखो अपने अपने हाथ पे। ठीक है ना बच्चों, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही होती है, ठीक है, तो वहां पे आघूर्ण के कारण, आघूर्ण समझते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप जब डांस करते हो, ठीक है ना, तो आप क्या करो अपने हाथ ऐसे नीचे रखो और गोल गोल घूम के दिखाओ, आप गिर जाओगे। लेकिन अगर आप अपने हाथ ऐसे कर लेते हो तो खूब अच्छी खासी स्विंग कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो खड़े होकर करके देख लो अपनी अपनी जगह। क्यों हम ऐसे करने पे पूरा अच्छी तरह स्विंग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है हमारा आघूर्ण हमें सपोर्ट कर देता है। क्लियर, तो ऐसे ही आघूर्ण से हमें क्या पता चल रहा है, आघूर्ण से हमें ये पता चल रहा है अगर हम हाथ नहीं फैलाएंगे तो हमारी बॉडी या तो इधर गिरेगी या तो इधर गिरेगी, यानी हमारी बॉडी को कोई गिराने के लिए एक बल काम कर रहा है, या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ। समझ में आया, बच्चों के खिलौने भी आते हैं ना तो उसमें छोटी सी डॉल होती है जो ऐसे करो गोल गोल नाचते, तो उसके भी थोड़े हाथ ऐसे रखते हो, क्यों, क्योंकि बैलेंस बना रहे। समझ में आया, क्लियर। और क्या कहते हैं, आपने सर्कस में भी देखा होगा, तो सर्कस में भी जो होते हैं आपके कलाकार वो भी अपने क्या कर लेते हैं, हाथ को फैला लेते हैं, जिससे कि उनको क्या मिल जाए, एक क्या मिल जाए उनका जो फोर्स, जो वो फोर्स उनको या तो इधर गिरा रहा है या तो इधर गिरा रहा है, उनके हाथ उनको बैलेंस कर ले। अब पृथ्वी के तो हाथ है नहीं, पृथ्वी तो अंडाकार है, समझो, यानी जब पृथ्वी भी अपने एक्सेस पे घूम रही होगी तो कोई ना कोई एक ऐसा बल लग रहा होगा जो क्या कर रहा होगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। ऐसे ही समझने की कोशिश करो, समझ पाओगे, यानी 100 बातों की एक बात, पृथ्वी जब घूम रही है तो यहाँ पे एक बल काम कर रहा है, जैसे वो नाचने वाली नर्तकी पे बल काम करता है, वो तो बैलेंस कर लेती है, लेकिन पृथ्वी बैलेंस नहीं कर पाएगी क्योंकि पृथ्वी कोई हाथ फैला नहीं सकती, लेकिन जो बल काम कर रहा है ये तो हमें पता चल ही रहा है ना इस एग्जाम्पल से, तो वो जो फोर्स है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेरल, क्या बोलते हैं फेरल। ठीक है, क्लियर, क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक
ठीक है, यानी वो एक क्या कर रहा है, फेरल जो है फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब वो काम कर रहा है तो क्या होगा, ऐसे थोड़ी होगा कि पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूट के उधर की तरफ भाग जाए, इधर की तरफ भाग जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन सोचो पृथ्वी के ऊपर हवा है, हवा तो भाग सकती है, नहीं भाग सकती। इमेजिन करो, थ्री डी में देखने की कोशिश करो, एक पृथ्वी का गोला है, उसके चारों तरफ हवा है, और हवा तो क्या है आपकी, बहुत ही क्या है, गैस है। यानी कि पृथ्वी तो घूमेगी लेकिन हवा इधर उधर भाग सकती है। यानी जो वो लड़की हाथ अपने ऐसे करती है वो क्या कर, हवा है, यानी हवा जो है वो क्या हो सकती है, डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। और वहीं से पता चला कि ये फेरल फोर्स से ही एक बल निकलता है जिसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा होता है, जब ज्योग्राफर ने ठीक है अध्ययन करा तो उनको ये पता चला कि जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है तो ये कोरियोलिस फोर्स इतना बड़ा वाला होता है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंड को राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाने का प्रयत्न करता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में उसे लेफ्ट हैंड पे घुमाने का प्रयत्न करता है। यानी कि मैं समझाता हूं बच्चों, देखो ये आपका इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर है, दिख रहा है सभी को, केवल अभी आप नॉर्थ हेमिस्फेयर को ही देखें। यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में अगर मुझे हवा की दिशा पता चल जाए कि हवा कहाँ से निकलेगी, और वो कहाँ से पता चलेगी बच्चों, फिजिक्स का नियम अभी हमने पढ़ा है कि हवा कहाँ से चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलती है, चलती नहीं चलती है, सही है सर? नो, मान लेते हैं कि ये हाई प्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट हाई प्रेशर का है, और ये वाला पॉइंट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लो प्रेशर का है, तो विंड कैसे चलेगी, कंसंट्रेशन हाई, हमेशा कहां से कहां चलती है, हमने एक थंब रूल पढ़ रखा है हाई से लो प्रेशर की तरफ, यानी विंड चलेगी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी तीर इधर की तरफ होगा, तीर का मतलब उसका मुंह उधर है। यानी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हाई प्रेशर पे आप लोग खड़े हो जाओ, और आपका फेस जो होगा वो किसको देख रहा होगा, लो प्रेशर को देख रहा होगा, और आप लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे तो कोरियोलिस फोर्स है, तो कोरियोलिस फोर्स क्या बोलेगा कि नॉर्थन हेमिस्फेयर, ये घटना नॉर्थन हेमिस्फेयर में, तो मैं विंड को राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी इस पॉइंट पे खड़े हो जाएं, क्या आप सभी इस पॉइंट पे खड़े हो गए? अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होते हैं तो राइट हैंड मतलब सीधा हाथ आपका किधर की तरफ पड़ता है, आप वहां पे खड़े होके जाइए, तो आप खड़े होके देखोगे तो मेरे ख्याल से आपका ये वाला हाथ सीधा हाथ होगा और ये वाला हाथ उल्टा हाथ होगा, सही है सर? नो, आप वहां पे जाइए, ऐसे मत इधर से देखोगे तो आपको उल्टा दिखेगा, आप वहां खड़े होके आपका मुंह होना चाहिए लो प्रेशर की तरफ, खोपड़ी नहीं होनी चाहिए, मुंह होना चाहिए। तो अगर आपका फेस जब लो प्रेशर करेगा, और लो प्रेशर की तरफ ही क्यों होगा, क्योंकि फिजिक्स का नियम है हाई प्रेशर से लो तरफ की तरफ चलना है, तो चलोगे तो इधर ही की तरफ ना, कभी उल्टे उल्टा तो चलोगे ना, सीधा ही चलोगे, और जब सीधा चलोगे तो मेरे ख्याल से आपका हाथ जो है वो राइट हैंड इधर वाला पड़ेगा, ये गोल पॉइंट वाला पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो यानी कि विंड क्या करेगी, इसको इधर की तरफ जो है विंड जाने की कोशिश करेगी, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स कैसे धक्का देगा इसको, ये विंड आना तो इधर की तरफ चाह रही थी लेकिन धक्का दे देगा इधर की तरफ, यानी विंड ऐसे मुड़ जाएगी, सोचो। यानी यहां से विंड आई आना चाह रही थी ऐसे ऐसे डैश डैश नीचे, लेकिन विंड किधर की तरफ चले जाएगी आपकी, एक सेकंड रुको, एक पेन फिर से बंद हो रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा, यानी कि अगर मान लो मैं डेड डैश ऐसे बना रहा हूं, विंड आना ऐसा चाहती थी लेकिन कहां घूम जाएगी, इधर, यानी सारी विंड इस तरीके से घूम जाएंगी, सारी विंड इधर की तरफ घूम जाएंगी क्योंकि लो प्रेशर की तरफ आना था। इसको समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, ज्योग्राफी बिल्कुल कठिन नहीं है, कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है। अब आप सोचो कि हम सर ऐसे ही क्यों लेके जाए, तो फिर पढ़ाई करना बंद कर दो, जब तुम्हें सारे नियम कानून के बाद लेके जा रहा हूं तो तुम्हें चलना पड़ेगा,
अपने मन की मत चलाओ बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सेम इसी चीज को हम नीचे की तरफ करके देखते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। मान लो ये हाई प्रेशर था और ये लो प्रेशर था, अब आपका फेस एकदम सही की तरफ होगा, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है ऐसे, तो अब आपका फेस लो प्रेशर की तरफ होगा, तो अब आपका सीधा हाथ किधर पड़ेगा? मेरे ख्याल से इधर की तरफ आपका सीधा हाथ पड़ेगा। तो यानी कि विंड जाना ऐसा चाहती थी, जाएगी कैसे? ऐसे। विंड जाना ऐसा चाहती थी, विंड घूमेगी ऐसे, तो यानी विंड कैसे घूमेगी? ऐसे 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 ऐसी। सोचो कितना आसान हो रहा है। हवा चलाना सीख गए तो सब कुछ सीख गए ज्योग्राफी में, और सोचो ये कितना आसान है। अब आप कहोगे सर आपने वही हाई प्रेशर क्यों बनाया, नीचे लो प्रेशर क्यों बनाया? अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैंने वही क्यों बनाया, लेकिन ये तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। हमेशा हाई से लो की तरफ जाओगे और यह देखोगे कि आपका क्या है, सीधा हाथ किधर है। लेकिन हमने एक गलती करी है यहाँ पे, ये सदर्न हेमिस्फीयर में था तो यहाँ पे ये वाला रूल तो नहीं लगेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा रूल लगता है? कोरिओलिस फोर्स उल्टे हाथ की तरफ घुमाता है, यानी कि ये सारी डायरेक्शन हमें किधर की तरफ करनी पड़ेंगी। अगर हम इधर खड़े हैं तो हमारा उल्टा हाथ इधर की तरफ होगा, यानी ये हमने चिन्ह गलत बना दिए हैं, इधर की तरफ वाले नहीं बनाने हैं, हमें चिन्ह किधर की तरफ वाले बनाने हैं बच्चों। अगर आप इधर खड़े हो तो देखो, आप इधर खड़े हो, आपका मुंह लो प्रेशर की तरफ होगा, लो प्रेशर की तरफ ही क्यों मुंह होगा? क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलना पड़ता है, और उल्टा हाथ मेरे ख्याल से आपका किधर पड़ेगा? इधर सीधा, इधर उल्टा, इधर की तरफ, यानी सारी विंड इधर की तरफ मुड़ जाएंगी, इधर की तरफ मुड़ जाएंगी, इधर की तरफ मुड़ जाएंगी, इधर की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है ना, क्लियर? तो इस तरीके से कौन काम कर रहा है? कोरिओलिस फोर्स। कोरिओलिस फोर्स क्यों आया? कोरिओलिस फोर्स आया इस कारण के कारण, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस। समझ में आया? यानी ये दो ही तो कारण थे जो विंड को चला रहे हैं। इसने हाई प्रेशर लो प्रेशर बनाया, इसने विंड की दिशा बता दी, और क्या चाहिए? यानी कि जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? यह दो कारण कंट्रोल कर रहे हैं। कितना आसान है, सोचो। ठीक, अब हम एक चीज समझते हैं जो मैंने कहा था हीटिंग ऑफ सन। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ही लो प्रेशर बन रहा है जहां पे हीट ज्यादा है, हाई प्रेशर क्यों नहीं बन रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पहले बताता तो आप इस तरीके से डायरेक्शन का बोध नहीं कर पाते। अब समझो, ये एक जगह है, एक एयर का पैकेट है मान लो, ठीक है, ये सूरज भगवान है और सूरज भगवान यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि ये जो एयर का पैकेट है, एयर क्या होता है? एयर में क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं, होते नहीं होते? धूल, पॉल्यूशन, इन सब के कण है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो हमें तिन्नी तिन्नी पार्टिकल जो हमें आंखों से भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है? एयर का बंडल है जिसमें छोटे छोटे धूल और अलग अलग कण है। जब मुझे बताओ कि जब इस पे हीटिंग हो रही होगी सूरज की, तो मैं कह सकता हूं तापमान बढ़ रहा होगा। तापमान बढ़ रहा होता है तो क्या होता है? कोई भी चीज को अगर हम हीट करें तो वो एक्सपेंड होती है, होती नहीं होती है? स्वच्छ भारत अभियान आ रहा है तो स्वच्छ भारत अभियान का गाना सुन लो थोड़ी देर, नगर पालिका का, गया स्वच्छ भारत। अब कोई भी चीज गर्म होने पे एक्सपेंड करती है, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है ना, क्लियर? तो अगर गर्म करने पे एक्सपेंड क्यों करेगी? क्योंकि गैस के पार्टिकल चार्ज होने लग जाएंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी आने लग जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी उनमें आने लग जाएगी तो वो एक दूसरे से दूर होने का प्रयत्न करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? भैया सिंपल सी एनसीईआरटी में लिखा है क्लास 6 की, कि भैया अगर किसी भी चीज को हीट करते हैं गैस के अणुओं को, तो उसके बीच में पार्टिकल में गतित ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उनके बीच में स्पेस बढ़ता है। तो जब ये एक्सपेंड होंगे तो मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? से यानी कि दूसरी स्टेज में यही एयर का पैकेट खूब चौड़ा हो चुका होगा, क्योंकि अब आठ पार्टिकलों के बीच में स्पेस ज्यादा है, से असरनो, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब सोचो कि कोई चीज जब एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रही है, तो यानी कि वो क्या हो रही है? एक तरीके से हल्की हो रही है कि नहीं हो रही है?
हल्की हो रही है, क्योंकि देखो सोचो कुछ एक चीज आपने गुच्छे में दबा के रख रखती है और फिर उसको दूर दूर कर रहे हो, तो क्या हो रही है, फ्लोटिंग हो रही है, वो चीज हल्की हो रही है, और हल्की चीज क्या होगी, हमेशा ऊपर की तरफ उठेगी, ये और ऊपर की तरफ उठेगी, यानी कि इस सतह पे क्या हुआ, यानी इस सतह पे जो भी एयर थी वो उसे छोड़ के ऊपर की तरफ चले गई, समझ में आया। और जब उसने अपना स्थान खाली कर दिया तो वहां पे क्या है, दाब कम, दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है कि ये आपका हाथ है, ठीक है, इस हाथ के ऊपर से कितना हवा का प्रेशर पड़ रहा है, ये आपकी खोपड़ी है तो खोपड़ी पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, आपको पता है हम पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है क्योंकि हम पृथ्वी की सतह पे है कि नहीं है, समुद्र में जो जीव रहते होंगे उनमें हवा का प्रेशर प्लस पानी का प्रेशर भी पड़ता होगा, तो इसलिए वो सारे चपटे हो जाते हैं, आप देखना समुद्री जीव जितने भी नीचे मिलते हैं वो सब चपटे चपटे क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं, ठीक। तो यानी कि हवा का ही दाब हमारा प्रेशर है, अब हम इस पे महसूस क्यों नहीं कर रहे, आप सोच रहे सर हमारे ऊपर इतनी हवा है वो उतने हमें प्रेशर मार रही है तो हम तो मर जाते, ना हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर है जो उसके प्रेशर से थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए हम उसको मेंटेन कर ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों वो छोड़ो, बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको, ये बताओ मुझे कि यहाँ पे आप ये बात समझ पा रहे हो कि इस स्थान पे जो पहले एयर थी वो अपनी जगह छोड़ के ऊपर भाग गई है, तो भैया वो जब ऊपर भाग गई है तो यहाँ पे जो एयर का पैकेट था जो उस पर दाब मार रहा था, जब वो ही नहीं रहा, वो ऊपर भाग गया, तो दाब तो वहां पे कम हो गया ना, इस कारण यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, समझ में आया, क्लियर। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि एयर का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, सही है सर नो, यानी जहां पे एयर अपलिफ्ट होगी वहां पे लो प्रेशर काज होगा, ठीक है। इसका उल्टा कर दूं, मान लो कोई एक ये पॉइंट है, इस पे हवा ऊपर से आ रही है सारी नीचे की तरफ, अभी कैसे आ रही है भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आंख बंद करके हाई प्रेशर होगा, क्यों, क्योंकि तो देखो ये हवा दाब मारेगी, ये हवा नीचे की तरफ दाब मारेगी तो ये हाई प्रेशर होगा, क्लियर। ये पूरी साइकिल कैसे चलती है, ऐसा नहीं कि कहीं पे लो प्रेशर बन गया फिर हाई प्रेशर का इंतजार करें, प्रकृति में ये चीजें तुरंत चलती जाती हैं। जैसे कि आप अगर किसी क्या कहते हैं बाल्टी में पानी भरो और उसमें से एक मग्गा पानी निकालो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि वहां पे गड्ढा हो जाए, तुरंत पानी उसको मेंटेन कर देता है ना, सतह उसकी नीचे हो जाएगी लेकिन तुरंत उसको बराबर कर देगा, तो ऐसी हवा का बंडल कैसे काम करता है समझते हैं। मान लो ये एक एरिया था, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर है, अब आपको लो प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट ज्यादा होगी, तो मैं कह सकता हूँ इसकी विंड ऊपर उठेंगी, अभी हमने देखा है ऊपर क्यों उठेंगी, क्योंकि वो एक्सपेंड करेंगी, हल्की होगी और हल्की चीज ऊपर ही उठती है, ठीक है। अब ये ऊपर पहुंची होंगी, ऊपर पहुंचने के बाद ये क्या करती है, अपने दोनों ओर क्या करती हैं, देखती हैं कि कहाँ पे उनको और कोई प्रेशर मिल जाए, ठीक है ना, तो ये चाहे इधर भी मुड़ सकती है चाहे इधर भी मुड़ सकती है, वो डिपेंड करेगा वो कैसा इलाका है, ठीक। और जब ये ऊपर बहुत सारी पहुंच जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, सोचो नीचे से रेगुलर सप्लाई हो रही है किसकी, आपके विंड की, तो ऊपर एक जमावड़ा बन गया कि जमावड़ा बन गया है, सही है सर नो, क्लियर। तो यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, एक तरीके से हाई प्रेशर, यानी लो प्रेशर के जस्ट ऊपर हाई प्रेशर बन गया कि नीचे से सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो जब ये हाई प्रेशर बन गया है तो ये अपने लो प्रेशर को ढूंढेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, या ये हैवी इतना हो गया है कि अगर हाई प्रेशर भी नहीं बना है तो आप इसको हैवी लिख सकते हो कि बहुत भारी हो गया एयर का बंडल, और जब भारी कोई भी चीज होती है तो प्रकृति के नियम के अनुसार वो नीचे आएगी, तो ये अपने नीचे आने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। मान लेते हैं उसको यहाँ पे आके वो इतनी हैवी इनफ हो गई कि वो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन जैसे ही नीचे जहां पहुंचेगी तो वहां पे क्या होगा, ये नीचे सब्सिडाइज है, तो यानी कि क्या सब्सिडाइज मतलब नीचे आना, यानी हाई प्रेशर कॉज होगा, ये देखो अभी आपने पढ़ा नीचे की तरफ आना हाई प्रेशर, और जैसे ही यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तो फिर ये अपने लो प्रेशर की तरफ ढूंढेगा, क्योंकि तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, फिर ये इसको ढूंढ लेगा, इधर वाले लो प्रेशर को ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा, ठीक है, फिर ये लो प्रेशर ऊपर जाएगा, फिर ये हैवी इनफ होके अपने किसी और को देखेगा, फिर कहीं पे गिरेगा हाई प्रेशर, फिर ऐसा हो जाएगा, तो ये पूरी एक चैन बनी हुई है एनवायरमेंट में, हाई प्रेशर लो प्रेशर अपने आप ही एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, उसमें बिल्कुल भी सेकंडों का भी अंतर नहीं होता, तो ये पूरी एक साइकिल चलती है, ठीक है। लो प्रेशर ऊपर हुए हैवी इनफ हुए हाई प्रेशर, फिर से नीचे कहीं पे गिरे तो फिर वहां पे हाई प्रेशर, ये तो ये पूरी एक चैन बन गई कि नहीं बन गई, ऐसी ये हैवी होके कहीं पे गिरा होगा
और वहां पे क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया होगा, फिर ये ऐसा हो गया होगा। अब आप ये सोचोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब हैवी हुआ क्या हुआ, तो हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि हम जाके देखें वहां हैवी क्यों हुआ वो क्यों हुआ। लेकिन जब पृथ्वी पे हवा का पैटर्न पढ़ा गया तो हमें पृथ्वी पे कहीं पे हाई प्रेशर मिला, कहीं पे लो प्रेशर मिला, और उस हाई और लो प्रेशर को वैज्ञानिकों ने समझने के लिए ये समझा कि प्रकृति में ये नेचुरल प्रक्रिया है कि यहीं पे क्या हो जाती है, लगभग लगभग विंड क्या हो जाती है आपकी, हैवी इनफ हो जाती है और वो नीचे की तरफ सब्सिडाइज करने लग जाती है, और जहां भी सब्सिडाइज करेगी वहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। क्लियर? अब वो कैसे सब्सिडाइज करेगी वो अब वैज्ञानिकों को भी नहीं पता, लेकिन ये पैटर्न बहुत ही क्या रहा है, सेम रहा है। तो इस कारण पृथ्वी पे वायु दाब पेटियां बनाई गई, समझ में आया, यानी कि प्रेशर बेल्ट्स बनाई गई, जैसे कि समझते हैं कैसी कैसी प्रेशर बेल्ट बनाई गई, क्योंकि हमें अध्ययन करने के लिए कुछ ना कुछ अजमसम तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो वो सब्जेक्ट ही चालू नहीं हो पाएगा ज्योग्राफी कभी, कि कोई कह प्रूफ लेके आओ कि भैया यहीं पे क्यों गिरी, तो प्रूफ प्रकृति का प्रूफ हम नहीं ला सकते। अब मैं समझा रहा हूं, एक ही बार में समझने की कोशिश करना एकदम अच्छी तरीके से। यह है 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है? इक्वेटर वो होती है जहां पे सूरज भगवान की 24/7 हमेशा किरणें पड़ती हैं, सबसे ज्यादा इक्वेटर गर्म होता है। आप देख लो विषुवत रेखा पे पाए जाने वाले जितने भी देश हैं, वहां के लोग सूरज भगवान की इतनी ज्यादा रोशनी लेते हैं कि उनकी स्किन में मिलेनिन नाम का क्या है आपका पिगमेंट बन गया, और वो थोड़े से क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, कॉम्प्लेक्स कलर के होते नहीं होते, आप देख लो, ठीक है? यहाँ पे मैं रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तो भैया वहां पे क्या है, सूरज की बहुत ज्यादा महिमा है, सभी को पता है इक्वेटर पे सूरज हमेशा रहता ही रहता है। क्लियर? और बाकी जगह तो सूरज की तिरछी किरणें जाती है, इसको भी हम मौसम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन 100 बातों की एक बात, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा आपकी क्या होगी, गर्मी पड़ेगी, और सारे गर्म देश इक्वेटर के आसपास वाले ही हैं, समझ में आया? उनका रहन सहन सब कुछ अलग है, हम इक्वेटर पे रह ही नहीं सकते, 6-7 महीने छोड़ दो, हम क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इतनी सड़ी गर्मी पड़ती है वहां पे। तो ये जो सड़ी गर्मी पड़ने वाले इलाके हैं, जब ये खुद कह रहे हैं गर्मी गर्मी गर्मी, तो मैं कह सकता हूँ ये गर्म इलाका है इक्वेटर के आसपास का, सही है सुनो। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब इक्वेटर के आसपास का गर्म इलाका है तो गर्म होने पे क्या होता है, जल्दी बताना। यहाँ पे इक्वेटर की ऐसी जो है विंड एयर ऊपर की तरफ गई होंगी हल्की होके एक्सपेंड होके, तो इक्वेटर पे क्या किया होगा उन्होंने, लो प्रेशर किया होगा, तो बड़ा बड़ा मैं यहाँ पे लो प्रेशर लिख सकता हूँ, ठीक है? अब 3D में समझने की कोशिश करना, इक्वेटर की जो है आपकी जितना भी एयर का पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कर रहा है तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो नीचे लो प्रेशर, दुनिया का सबसे खतरनाक लो प्रेशर है इक्वेटर के पास, ठीक है? तो यानी कि ये सेम इसी तरीके से उठा होगा, ये इक्वेटर बना लो, ठीक है, लो प्रेशर। अब जब ये उठा होगा ऊपर गया होगा, यहाँ पे कहीं पे ये देखा होगा उसने कि हैवी इनफ हो गया हूँ, भारी हो गया हूँ, यानी अब मुझे नीचे गिरना पड़ेगा, तो ये कहाँ गिरा? तो ये बच्चों गिरा आपका थोड़ा सा आगे चल के, यहाँ पे एक और हमें बेल्ट बनानी पड़ेगी, इस बेल्ट पे गिरा, किस बेल्ट पे गिरा, इस बेल्ट पे गिरा, ठीक है? यानी कि आप 3D में देखने की कोशिश करो, ऐसे ऊपर आया होगा और ऐसे यहाँ पे गिरा होगा, ऐसे ऊपर आया होगा और यहाँ पे ऐसे गिरा होगा, इधर देखने की कोशिश करो तो यानी कि ऐसे ऊपर आया होगा यहाँ गिरा होगा, तो मैंने ये वाली बेल्ट बनाई है, ठीक है? और ये होती है 30 से 35 डिग्री आपका नॉर्थ या साउथ दोनों जगह, ठीक है? तो यानी कि ये 35 वाला, और इसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बोलते हैं। अब आप बच्चों बोलोगे कि सर ये 35 या 30 के आसपास ही क्यों गिरी, तो भैया वो विंड को पूछो कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी आपकी सोच की तरह नहीं कि यहाँ पे हो गई भारी हुई गिर गई, बहुत ज्यादा जब एक्सेस सप्लाई होती होगी, जब बहुत हैवी हो जाती होगी, तो उसका पैटर्न देखा गया कि वो 30 या 35 के आसपास ही गिरती है, ठीक है? तो 30 या 35 के आसपास क्या है, हाई प्रेशर है। तो ये जो लाइन है बच्चों कौन सी है, 30 और 35 डिग्री क्या है आपका, नॉर्थ वाला लैटिट्यूड,
ठीक है, ऐसी साउथ में भी सेम, नॉर्थ वाला साउथ में भी चलेगा। यानी कि सोचो, जैसे मान लो अगर ये विंड हैवी है इनफ होगी, इधर भी चलेंगी तो इधर भी तो जा सकती हैं, तो इधर भी जाएंगी लेकिन इधर वाली भी 30 या 35 पे ही गिरेंगी, समझ लो। लेकिन ये सदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, आप समझ रहे हो, इधर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न है, यानी कि मैं गिरा भी देता हूं उधर, आप लोग कहीं फिर वो करो गलती, कुछ नहीं है, सब इमेजिनेशन है, आप समझने की कोशिश करें, नफरत मत करो ज्योग्राफी से, ये इधर गिर गई होंगी, इधर गिर गई, 3D में देखने की कोशिश करो, नहीं तो पीछे वाले डायग्राम को देखने की कोशिश करो, ऐसे गिर गई होंगी। यानी कि ये सब क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे क्लियर है सभी को। ये लो प्रेशर सूरज से उठा, ऊपर हैवी इनफ हुआ, कुछ इधर भाग गए, कुछ इधर भाग गए, इधर भागोगे जो इधर से गिरे वो 30 और 35 पे गिरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ये भी जो गिरेंगे 30 से 35 पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गिरेंगे, ठीक है, क्लियर, और ये सदर्न हेमिस्फेयर में गिरेंगे, सॉरी। अब जब ये गिरे हैं तो फिर यहाँ हाई प्रेशर हो गया, फिर अपने लो प्रेशर को ढूंढेंगे, तो कुछ लो प्रेशर में चले जाएंगी यानी इक्वेटर की तरफ चले जाएंगी, और कुछ फिर इधर की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब जो अगले पॉइंट की तरफ जा रही है, देखो यहाँ पे भी जाएंगी, ठीक, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, ये लो प्रेशर बनेगा तो फिर ये ऊपर उठेंगी, जब ऊपर उठेंगी फिर ये भारी होंगी, तो फिर एक किरण इधर के चले गए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को, और ज्यादा हाई प्रेशर बना देगी, और एक इधर गिर के कहीं पे गिरेगी, ऐसे ही इधर गिर के इधर गिरेगी, इधर गिरेगी, यानी कि एक लाइन और बनने वाली है, और वो है क्या आपकी सब पोलार, और यहाँ पे क्या है आपका, क्या होगा, लो प्रेशर होगा कि नहीं होगा, सब पोलार लो प्रेशर, यानी कि इस वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया सब पोलार, बस सब पोलार, और ये भी हो गया क्या सब पोलार। ये सब पोलार कैसे आया भैया, 30 और 35 का हाई प्रेशर जब वहां पे टकराएंगी तो फिर इधर भागेंगी, इधर भागेंगी तो फिर ये ऊपर उठेंगी, ठीक है ना, और ऊपर उठ के फिर हैवी इनफ होके कोई आगे थोड़ा और गिरेंगी इधर हाई प्रेशर पे, और उसको हमने लिख दिया पोलार हाई, फिर ऊपर जाके इधर गिरेंगी कहीं पे पोलार हाई, यानी कि एक और बेल्ट बनेगी इसमें, ये वाली जिसको हम बोलेंगे पोलार हाई और पोलार हाई, यानी कि हमें नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में इस तरह की बेल्ट मिली, केवल सूरज के किससे, आपके एक छोटे से चीज को गर्म करने से, समझ में आया। तो इस तरीके से बेल्टों का निर्माण होता है। तो 100 बातों की एक बात, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर फिर हाई प्रेशर बेल्ट है, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है, और पोलार हाई हाई प्रेशर बेल्ट है, समझ में आया। ऐसे 3D में देखना पड़ेगा, ऐसे जाके गिरेगी उठेगी, गिरेगी उठेगी। अब इनका नाम ऐसा क्यों रखा, क्यों हमने केवल इनको लो प्रेशर हाई प्रेशर करके भी तो दिखा सकते थे, लेकिन नाम इनका इसलिए दिया क्योंकि उससे हमें जोन का अच्छा पता चल जाता है। देखो इस वाले जोन को बोलते हैं पोलार जोन बोलते हैं, पोलार रीजन है ये तो सभी को पता है, ये पोल रीजन है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर लिख देते तो लेकिन पूछते कौन सा वाला, तो इसलिए उनके नाम से उनका नामकरण रख दिया पोलार हाई, हाई का मतलब हाई प्रेशर जोन, समझ में आ गया। इसका नाम पोलार हाई क्यों रखा, ठीक है, इसका नाम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्यों रखा, क्योंकि ये वाला रीजन जो है क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वो रीजन होता है जहां पे सूरज भगवान की बहुत अच्छी महिमा होती है, और ये इक्वेटर के 23½ नॉर्थ और 23½ साउथ तक रहता है, इसके ऊपर का सारा जोन जो कहलाता है सब ट्रॉपिकल कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये जोन ट्रॉपिकल जोन है तो इससे ऊपर का क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल कहलाएगा नहीं कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल कहलाएगा नहीं कहलाएगा, तो उसी के नाम पे हमने इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कर दिया, ठीक है। ये पोलार रीजन है तो पोलार से नीचे वाला सब पोलार कहलाएगा ना, तो इस वाले लो प्रेशर को हमने सब पोलार लो प्रेशर कर दिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे जैसे हमने करा, पहले इक्वेटर लो प्रेशर, हवा उठेगी आगे चल के कहीं ना कहीं गिरेगी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर फिर हाई प्रेशर वाली अपना लो प्रेशर ढूंढेगी, फिर लो प्रेशर और फिर ये अपना कहीं पे हाई प्रेशर ढूंढेगी, हाई प्रेशर हाई प्रेशर, आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन क्या इसमें पता चल रहा है कि कौन सा जोन है, नहीं पता चल रहा ना, तो उनका नामकरण उनके इलाकों के अनुसार कर दिया, तो फिर इसलिए ये वाली नोमेनक्लेचर आ गया, समझ में आ गया ये, ठीक है। ये बहुत आसान है बच्चों, इस वाले जब उधर भूल जाओ तो यानी इसको और आगे बढ़ा दोगे तो आपका यही चल जाएगा, यानी यहाँ पे फिर ये एक बार और बढ़ के कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर पे, और उसको बोलेंगे पोलार हाई। आप केवल एक ही हेमिस्फेयर का देख लो, यहाँ पे एक इधर हेमिस्फेयर का पूरा चित्र दिख रहा है ना, सेम ऐसा पीछे भी होगा। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी बेल्ट का निर्धारण होता है।
क्लियर, एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ रहे हो आप। तो आज अभी हमने क्या सीखा यहाँ पे कि किस तरीके से हीटिंग ऑप्शन ने प्रेशर बेल्ट बना दी, और किस तरीके से रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इस एक्सिस ने कोरियोलिस फोर्स की सहायता से विंड को घुमाना सिखा दिया कि आप कहाँ घूमोगी और कहाँ नहीं घूमोगी। सिंपल सा रूल, नॉर्थ हेमिस्फेयर है तो आप सीधे हाथ की तरफ भागोगी, और अगर वो सदर्न हेमिस्फेयर है तो आप उल्टे हाथ की तरफ भागोगी। ठीक है, और भागते समय हमेशा याद रखना है आप हाई प्रेशर से ही चलोगी और लो प्रेशर की तरफ ही चलोगी। समझ में आया? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने अभी सूरज भगवान के कारण ये जो प्रेशर बेल्ट बनाई है, इन प्रेशर बेल्ट को हम ऐसे अगर सही से लिखें तो सोचो, हम साफ डायग्राम में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा उसे हम साफ फ्रेश डायग्राम में देख रहे हैं। ये हमारा हो गया इक्वेटर, जो आराम से डिवाइड करता है। ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये हो गया सब पोलार लो प्रेशर, सब पोलार लो प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये हो गया पोलार लो, ये हो गया पोलार लो, और ये हो गया पोलार हाई, और ये हो गया पोलार हाई। ठीक है ना, जैसा उत्तरी गोलार्ध में होता है वैसा ही दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए हमने सेम जीरो के ऊपर जो उधर चला उधर चला। ठीक है, अब आपको पता है, अब देखो आप पूरी दिशा निकाल दोगे कि कैसे हवा चलेगी। निकालने की कोशिश करें तो पहले हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही देखेंगे, जिससे हमारा नियम गड़बड़ ना हो जाए। कोरियोलिस फोर्स को याद रखो, कोरियोलिस फोर्स कहता है, बहुत आसान है बच्चों ये, कि मैं नॉर्थन हेमिस्फेयर में साउथ यानी राइट हैंड डायरेक्शन में जाऊंगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में मैं लेफ्ट हैंड मतलब उल्टे हाथ की तरफ जाऊंगा। तो केवल हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ देखेंगे, इधर की तरफ। ठीक है, क्योंकि यही उत्तरी गोलार्ध है। तो ये आपको पता है इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता था बच्चों? लो प्रेशर होता था, होता था नहीं होता था, अभी हमने देखा आपका, क्योंकि इक्वेटर से ही सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। तो ये लो प्रेशर है और ऊपर वाला हाई प्रेशर है। ठीक है, तो यानी कि विंड ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी। ठीक है, आप नीचे से ऊपर चला नहीं सकते, तो ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। लेकिन कौन सा गोलार्ध है ये? उत्तरी गोलार्ध है, यानी अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ने की कोशिश करेगी। आप हाई प्रेशर पे खड़े हो जाओ, आपका फेस होना चाहिए लो प्रेशर की तरफ। तो अगर आपका फेस लो प्रेशर की तरफ होगा तो आपका सीधा हाथ मेरे ख्याल से इधर की तरफ होगा। जाके देखो होगा कि नहीं होगा, इधर की तरफ आप देखो, ऐसे खड़े हो जाओ उधर, तो मेरा सीधा हाथ उधर चले गया। ठीक है, तो यानी कि विंड जो है चलने चाह रही थी ऐसा, लेकिन चलेगी ऐसा, यानी कि ऐसा 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 विंड चलेगी। कितना सरल हो गया, देखो हमने विंड का पैटर्न बना दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दूसरे वाले खानदान में। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है और पोलार लो है, तो आपको पता है कि ये हाई प्रेशर तो नीचे लिखा ही हुआ है और ये क्या है? लो प्रेशर है। अब यानी कि विंड ऐसे यहां से ऊपर की तरफ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, यानी कि अब आप हाई प्रेशर पर खड़े हो जाओ और लो प्रेशर की तरफ देखो। उत्तरी गोलार्ध है आपका राइट हैंड की तरफ, यानी अब आपका राइट हैंड की तरफ पड़ेगा, इधर की तरफ पड़ेगा, यानी विंड कैसे चलेंगी? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब आप खड़े हो जाओ कहां पे? इस वाले पायदान पे। आपका हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही चलना है हमेशा, इसीलिए हम ये, आप ये नहीं बोलोगे सर नीचे से ऊपर क्यों नहीं चला है, तो मैं बोलूंगा बेवकूफ हो गया यार, अभी समझा रखा है नियम फिजिक्स का, हाई से लो ही जाना है। तो हाई देखो ना, नीचे लो है, यानी अब की बार ऊपर से नीचे की तरफ आना है। लेकिन क्या है, मुंह हमारा ऊपर की तरफ रहेगा यहाँ पे, और हम लो प्रेशर की तरफ देख रहे होंगे, तो हमारा सीधा हाथ किधर की तरफ जाएगा? किधर की तरफ जाएगा? इधर की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यानी कि यहाँ पे विंड कैसे चलेंगी? ऐसे चलेंगी। सोचो कितना आसान हो गया, और सोचो पूरी दुनिया इसी गोलार्ध में ही तो है, या तो वो उत्तरी में या तो दक्षिणी में, यानी पूरी दुनिया का हवा का पैटर्न हम बता सकते हैं किस दिशा से चलेगा। सोचो कितना कठिन काम हमने कितना आसान कर लिया। अब सेम ही काम को हम क्या करेंगे बच्चों?
दक्षिणी गोलार्ध में बनाने की कोशिश करेंगे। यह है लो प्रेशर, ठीक है, और ये हाई प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर है, तो यानी अब हवा कैसे चलेगी, हाई से लो हमेशा, यानी नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर चल रही है, लेकिन क्या है, अब दक्षिणी गोलार्ध आ गया है। अब हमें हमने उल्टे हाथ को देखना है, तो नीचे से ऊपर देखो और हमारा उल्टा हाथ किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, यानी कि ये, यानी कि डायरेक्शन फटाफट ऐसे बना दो, बनाओगे हाई से ही टच करा के, यानी कि लो से टच करा के बना दो, हाई से लो की तरफ, ठीक है। अब आ जाओ इन दोनों वाले पैराग्राम में क्या होगा, ये है हाई प्रेशर बेल्ट और ये है लो प्रेशर बेल्ट, पोलार लो ही है इसका नाम। यानी अब कैसे चलेगी, हाई से लो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, यानी ऊपर खड़े हो जाओ, नीचे की तरफ लो प्रेशर की तरफ फेस करो। अब आपका उल्टा हाथ किधर होगा, जाओ ऐसे मुड़ो, जाके देखो, ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं खुद वहां खड़ा होकर देख रहा हूं और अपने शरीर को मोड़ रहा हूं, तो मेरा उल्टा हाथ, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे गए, तो ये मेरा सीधा हाथ, यानी मेरा उल्टा हाथ इधर पड़ रहा है, यानी कि बच्चों इधर की तरफ पड़ रहा है, पड़ रहा नहीं पड़ रहा, तो विंड को चला दो फटाफट, ऐसे ऐसे चलाओगे इधर से ही, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आ जाओ सीधे सबसे लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में आए तो ये क्या है, प्रेशर हाई प्रेशर नीचे, यानी नीचे से ऊपर जाना था, लेकिन ये कौन सा हेमिस्फीयर, सदर्न, तो उल्टा हाथ, तो उल्टा हाथ हमारा क्या हो गया, अब तो हमारा फेस सही है, हम उधर की तरफ देखना है, तो हमारा उल्टा हाथ हुआ इधर, यानी ऐसे 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 ऐसे, ये मैंने पूरी दुनिया में विंड का पैटर्न बना लिया। सोचो कितना सरल है ये, केवल अपने आप को वहां पेपर में आप क्या करते हो, पेपर, अरे बाबा क्वेश्चन आ गया, अरे भाई तू वहां खड़ा होके देखना अपना सीधा और उल्टा हाथ कर, तेरा आंसर तेरे सामने, लेकिन नहीं, कल भी देख लेना, आपको इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन दिखेगा, यूपीएससी में तक इस साल इसी से दिखाता है एक क्वेश्चन, और जब ये क्वेश्चन दिखेगा तुम क्या करोगे, तुक्का मारोगे, अरे मेरे भाई तुम तुक्का नहीं मार सकते, कॉपी को मोड़ के देख लेना, लैपटॉप नहीं मोड़ सकता, कॉपी तो तुम्हारी मोड़ सकती है, अगर तुम वहां पे इमेजिन नहीं कर सकते, और सोचो तुम अगर दिशा को इमेजिन नहीं कर सकते तो सी सेट वाला पेपर कैसे करोगे, जब वहां बोलता राम उत्तर से दक्षिण की तरफ गया, फिर सीधे हाथ की तरफ मुड़ गया, उत्तर उल्टे हाथ की तरफ मुड़ गया, तो हम उसी पॉइंट पे जाके अपने आप को फेस करते नहीं करते, कि राम जो है उस पॉइंट पे खड़ा है, उसका फेस उत्तर की तरफ है, तो हम उत्तर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, दक्षिण की तरफ है तो नीचे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तब हमारा उल्टा और सीधा हाथ बदल जाता है, बदल जाता नहीं बदल जाता। अरे भैया आप जहां पे अपने घर पे बैठे हो, सामने जो भी दीवार है उसको फेस कर रहे हो, तो अभी आपका सीधा हाथ कौन सा है ये, लेकिन अब आप दीवार की तरफ खड़े होके अब इधर की तरफ देखोगे तो सीधा हाथ उधर की तरफ चले जाएगा आपका, उधर की तरफ, तो सेम ऐसा यहाँ पे हो रहा है, ये करने में कौन सी आफत है जरा बताना मेरे को। आफत वही है जिसे नियम नहीं पता है, और नियम तो याद करने पड़ेंगे ही, जब हमें पता चला 2 + 2 = 4 होता है, यानी धन में जोड़ते हैं, तो तभी तो हमें सारी चीजें पता चली, और जब हम शुरू में याद नहीं करते, सोचो कि धन का मतलब जोड़ और ऋण का मतलब कुछ घटाना या कुछ कम करना होता है, तो हम बड़े बड़े डेरिवेशन कर पाते, नहीं कर पाते ना, तो सेम ये छोटी सी चीज याद नहीं कर पा रहे, कि प्रकृति का नियम है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना है, और प्रकृति का दूसरा नियम क्या है, कि भैया उत्तरी गोलार्ध में सीधे हाथ में घूमेगी और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टे हाथ में घूमेगी, फिर इसके बाद घुमा दो, ठीक है। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बने, मैंने अभी आपको दिखाया, सूरज भगवान की इससे बन गए, यहीं पे क्यों बने, ये प्रकृति से पूछो, कि प्रकृति तुमने 30 से 35 पे ही क्यों गिरी, ठीक है, तो वो प्रकृति से पूछो, क्लियर। अब मैं जो है क्या कर रहा हूं, कमेंट ऑन कर रहा हूं, अब देखता हूं किस किस की कितनी कितनी पुअर इमेजिनेशन थी और किस किस के किस किस तरह के क्वेश्चन थे। चलो भैया बताओ इस सरल सी चीज को, बीच में कुछ जो है कंफ्यूजन वाली इमोजी भी डाल लेते कुछ लोग, अब बताओ इसमें कुछ दिक्कत है किसी को, अब खुद सोच रहा होगा सर इनका नाम तो बता दो, अरे क्यों बताओ नाम, नाम अपना आप पता चल जाएगा, अभी तुम्हें डायरेक्शन सीखी ना, नाम तो हम कभी भी सीख लेंगे। दो बजे वाली क्लास में हम तुरंत इनका नामकरण कर देंगे, ईस्टर्ली वेस्टर्ली कर देंगे, नहीं कर देंगे, पुराने बच्चों को पता है, और फिर हमारी बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन इस बार मैं डायरेक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी मैं आपको खुद से आपकी दिशा बनाना चाहता हूं। सबको समझ में आ गया, अब आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, 2 बजे की क्लास से पहले एक बार खुद अपनी रफ कॉपी में पृथ्वी का गोला बनाना है, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद जो है जैसे मैंने हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनाए थे,
किस कारण बनाए थे, वैसी कारण बना के पहले बेल्ट बनानी है सूरज भगवान की, जैसे गिरती है वैसे गिरानी है, और जब गिराने के बाद आपको जब पूरी हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट बन जाए तो उस पर हवा की डायरेक्शन चलानी है। जब आप चला लोगे तो एक बार फिर लेक्चर से मैच कर लेना, अगर सेम आपकी इसी ऐसी ही चल रही है तो यानी आप सही हो, नहीं तो फिर 2 बजे वाली क्लास में दोबारा स्प्रे करेंगे, खोपड़ी मारेंगे। समझ में आया? ठीक है, इससे ज्यादा आपको किताब भी नहीं बता पाएगी कि मैं ये कहना चाह रही हूं। ठीक, तो इतना ही आप रिवाइज करेंगे। अभी देख लेते हैं कौन कौन से नए बैच कोर्स आए हैं। बैच कोर्स मतलब जहां 2 से ज्यादा एजुकेटर पढ़ाते हैं। कितने ऑप्शनल हमारे फरवरी से चल रहे हैं? पवेड, हिस्ट्री, हिंदी, फिलोसफी एंड सोशोलॉजी। ये वाला नहीं चल रहा है तो इसे ना माने, इसे पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं बार बार, जबकि ये टीचर छोड़ के चले चुके हैं। ठीक है, और मैंने बहुत बार बोल दिया है कि भैया जो जा चुका है तो बच्चों को गलत ना दिखाया जाए। ठीक, तब भी लेकिन दिखाया जा रहा है। उन्नति नाम का बैच आया है RO ARO का, ये सब RO ARO के एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। लक्षा बैच आया है UPPCS का 27 तारीख से, इसमें ये सारे टीचर पढ़ाएंगे। मेरे नाम के आगे एनवायरमेंट और इकोनॉमी लिख रखा है, जो इकोनॉमी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, क्लियर, और एनवायरमेंट भी खत्म हो चुका है। एक्सपीडिशियस बैच चल रहा है इंग्लिश माध्यम का, इसमें मेरे आगे हिस्ट्री लिखा है खत्म, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म, इकोनॉमी खत्म, एनवायरमेंट खत्म, करंट अफेयर खत्म। आप खुद देख लो इतने सारे सब्जेक्ट लिखे हैं, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जो नए बच्चे हैं वो समझे इस चीज को। और बैच कोर्स कैसे क्या बनता है वो भी मैंने आपको पूरी ईमानदारी से बता दिया है कि अगर आपको एक इंडिविजुअल टीचर से पढ़ना हो तो आप इंडिविजुअल टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो बैच में दिख रहा है वो उसकी इंडिविजुअल प्रोफाइल में भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मेरे किसी नए बैच का इंतजार मत करो, मैं सारी विषय पढ़ाता हूँ और केवल केवल अपर सबॉर्डिनेट की तैयारी कराता हूँ। तो अगर कोई बच्चा चाहे तो भैया वो मेरी क्लास में आ सकता है। 12 या 24 महीने का ही सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, क्योंकि मैं UPPCS की ही केवल तैयारी कराता हूँ, इसमें कम से कम 365 दिन की तैयारी चाहिए चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। MKS Live मेरा रेफरल कोड है, अगर आपको मेरे से पढ़ना है, और अगर आपको मेरे से नहीं पढ़ना है तो MKS Live यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमने आपका रेफरल कोड यूज नहीं करा, फिर बड़ा बड़ा सॉरी लिखते हो, ये सब इस सबसे कोई फायदा नहीं है। 10% डिस्काउंट इसमें भी मिलता है। आप अपनी तरीके से अपनी ईमानदारी दिखाइए कि हम जिस गुरुजन से पढ़ना जा रहे हैं उसी को हम अपना एडमिशन का श्रेय देना चाहते हैं, सिंपल सी चीज। ठीक है, उसी को हम अपना मॉरल, क्या आपकी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, उसी को अपना मेंटर बनाना चाहते हैं। आप मेंटर तो किसी और को बना देते हो, पढ़ने आते हो मेरे पास, ये क्या है? एक तरीके से एथिकली गलत चीज है। पढ़ाने से मैं मना नहीं करूंगा लेकिन एक एथिकल चीज है तो उसको फॉलो करो ना। जिससे पढ़ना चाहते हो तुम उसको आज श्रेय नहीं देना चाह रहे हो कि हम अनअकैडमी पे उनके कारण आए हैं, कल को सिलेक्शन के बाद तो फिर उनको पूछोगे ही नहीं। समझ में आया? और जब रेफरल कोड से कुछ तुम्हारा इससे फर्क पड़ता ही नहीं है कि तुमने अगर MKS Live यूज कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं किसी और की क्लास नहीं कर सकते। रेफरल कोड का क्लास से मतलब ही नहीं है। जो आपको ये बोलता है कि रेफरल कोड यूज करोगे तो मेरी क्लास नहीं कर पाओगे, वो सब गलत बोलते हैं। इवन बहुत सारे अदर रेफरल कोड वाले मेरी क्लास करते हैं, करते नहीं करते। तो रेफरल कोड का क्लास से मतलब होता ही नहीं है। रेफरल कोड का मतलब खाली ये है कि आप अपना मेंटर किसको बनाना चाहते हो, और जिसको ही बना चाहते हो, जिसने वो जो जिसने जितने ही वादे करे हैं आपको स्पेशल क्लास में, वो आपको पूरा कराएगा। यानी आप किसको अपनी मेंटरशिप देना चाहते हो, और आप मेंटरशिप देते समय इस चीज का ध्यान नहीं रखते और फिर सोचते हो कि सर हमारे को गाइडेंस दे दो, हमारे को ये कर लो, हमारे को ये वो कर लो, हम कैसे आपको ट्रैक करें बताओ भाई। जब आप संबंधित टीचर का रेफरल कोड यूज करते हो तो उस टीचर के पास एक मैसेज आता है ना कि एक बच्चा मेरे से जुड़ा है, तो वो बच्चे का टीचर क्या करता है अगली क्लास में तुरंत बोलता है ना कि कौन कौन नए बच्चे हैं बताओ, कौन कौन आए, तो उनको पहले दिन से ही क्या कर देता है, ट्रैक पे ला देता, नहीं ला देता। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सैकड़ों की मात्रा में डेली एडमिशन लेते हैं लेकिन 3 से 4 महीने तक भटकते रहते हैं, क्योंकि वो किसी टीचर का रेफरल कोड यूज ही नहीं करते हैं। और किसी टीचर का रेफरल कोड यूज ही नहीं करोगे तो किसी टीचर को पता भी नहीं चलेगा। तो हमें थोड़ी पता कि एडमिशन में रोज कितने बच्चे आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। और फिर वो बच्चा अपनी तरफ से टाइम टेबल बनाएगा, अपनी तरफ से बैच बनाएगा, अपनी तरफ से कभी इस बैच में कभी उस बैच में, और पता चलेगा कि उसको कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे आते नहीं आते मेरी क्लास में, आप खुद बताओ, प्लस वाले बच्चों, जिससे इनको पता चले कि अगर जब भी रिकॉर्डेड वर्जन देखें, सर 3 महीने हो गए
अब जाके आप मिले हो तो भैया वो 3 महीने तुम क्या कर रहे थे? ये वही बच्चे हैं जो पहली बार में ही किसी टीचर का रेफरल कोड यूज नहीं करते, समझ में आया? किसी को 2 महीने हो गए सर भटकते भटकते अब आपकी क्लास में आया, तो यार भटकना बंद करो, पहली बार में ही क्लास में आ जाओ, ठीक है ना? अब आप खुद सोचो ना, जब बच्चा खुद ही बता रहा है कि यार मैं इनकी क्लास से पढ़ के सिलेक्ट हुआ हूँ, और टीचर भी खुद बता रहा है कि अनअकैडमी पे जितना भी रिजल्ट आया है 100% एमकेएस की ही क्लास का रिजल्ट है वो पिछले 3 साल का, तो या तो टीचरों की बात मान लो, बच्चों की भी बात मान लो, आप तो बच्चों की बात भी नहीं मानते। 2017, 2018, 2019, 2020 जितने भी सिलेक्शन दिए अनअकैडमी में केवल और केवल एमकेएस के बच्चे हैं वो, और इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ, क्योंकि है तो है मेरे बच्चे, समझ में आया? अगर बच्चे नहीं होते तो क्या मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाता, ये बताओ? मुझे भी डर लगता कि आज चोरी पकड़ी जाएगी, कल को चोरी पकड़ी जाएगी। है तो है, पढ़ाया तो पढ़ाया है, उसमें क्या बात है? वो इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों में से कोई लोग भटक ना सके। भटक रहे हैं बच्चे, 3 3 4 4 महीने भटक रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं, जो भी यूपीपीसीएस का प्रॉपर तैयारी करने वाला बच्चा है, आज नहीं तो 1 साल बाद सिलेक्शन लेने तो मेरी क्लास में ही आएगा, और आते हैं। प्योर यूपीपीसीएस पढ़ाता हूँ, प्योर क्वालिटी वाला। ऐसा नहीं कि यूपीपीसीएस के नाम पे SSSC पढ़ा रहा हूँ, यूपीपीसीएस के नाम पे वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ, वो वाला काम नहीं है मेरा। सिलेक्शन देता हूँ, ईमानदार बच्चों का सिलेक्शन दिलवाता हूँ, और उनके माता पिता को क्या करता हूँ, वो खुशी दिलाता हूँ जब वो फोन करते ना कि एक बार आइएगा जरूर, कम से कम खाना खाने जरूर आइएगा, आपने हमारे खोटे सिक्के को चला दिया। वो मास्टर हूँ मैं, और लगातार सुनता हूँ हर एस्पायरेंट के माता पिता से, लगातार ये बात सुनता हूँ मैं, समझ में आया? और हर साल रिजल्ट दे रहे हैं तो हर साल सुनते ही हैं, कभी कुछ बच्चों के माता पिता की बातें, कभी बहुत ज्यादा बच्चों की, तो जिस साल जैसा रिजल्ट आता है, लेकिन सुनता मुकेश कुमार सिंह ही है। और उस समय मुकेश कुमार सिंह को जो खुशी होती है ना, वो किसी चीज में खुशी नहीं होती, जब उधर से माता पिता भी जो बोलते हैं उनकी खुशी के आंसू होते हैं, उनकी आवाज भी थोड़ी डाउन हो जाती है। ना बच्चे ने मेरे को देखा, ना माता पिता ने कभी मेरे को देखा, ना कभी फोन पे बात हुई, लेकिन पहली बार बात जब कब हो रही है, जब उसका सिलेक्शन हो गया है, कि आपने क्या करा, हमारे बच्चे की जिंदगी बना दी, समझ में आया? और फिर उनको जान के खुशी भी होती कि यार जिंदगी बनी हमारे बच्चे की मात्र 7,000 रुपए में। सोचो मतलब अनअकैडमी कितने कम रुपीज में आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पढ़ा रहा है, आप इसको बिलीव कर रहे हो कभी? ये मैटर आपको 1.5 1.5 लाख रुपए में नहीं मिलेगा, और या जो 1.5 लाख रुपए की कोचिंग हो उससे मेरा मैटर मैच करके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा, समझ में आया? तो हर माँ बाप जो सोचते हैं कि हम इकोनॉमिकली तरीके से क्या है पीछे हैं, हम अपने बच्चों को कोचिंग नहीं करा सकते, मुकेश कुमार सिंह जिंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बार मेरी क्लास में अपने बच्चों को भेजो, और फिर उनके बच्चों के सपने ना पूरा कराया तो अपना नाम नहीं, लेकिन तुम्हारा बच्चा ईमानदार होना चाहिए। मेरी क्लास में तो पेरेंट्स भी आते हैं, और मैं उनको ही बोलता हूँ कि भैया अपने बच्चों पे ध्यान दो, और जो सीरियस बच्चा होता है तो बताता हूँ, जो सीरियस नहीं होता तो उनके माता पिता के सामने भी उसकी पूरी कहानी उधेड़ के रख देता हूँ, पुराने बच्चों को पता होगा। ऐसा नहीं कि आपके माता पिता क्लास में आ गए तो उनको बोलूं कि अरे नहीं नहीं आपका बड़ा अच्छा बच्चा है, अगर बच्चा कमजोर है तो उनको वैसा ही बताता हूँ, अगर उनका बच्चा होशियार है तो उनको वैसा ही बताता हूँ, कुछ मक्खनबाजी नहीं लगाना, समझ में आया? लास्ट में बच्चों एक ही चीज याद रहेगी, कितने बच्चों का सिलेक्शन तुमने दिया, और वही क्राइटेरिया होगा तुम्हारे क्वालिटी नोट्स का और तुम्हारे एजुकेटर का। क्या ये बात समझ में आई? सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं, 24 तारीख कल है, हम कल खूब डिस्कस करेंगे, ट्रेंड चेंज हो गया, हम लोग खूब कल डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश माध्यम वालों को फायदा हो गया, इंग्लिश हिंदी माध्यम वालों को नुकसान हो गया, हम खूब डिस्कस करेंगे कि ये पक्षपात हो रहा है, समझ में आया? लेकिन इन्हीं डिस्कशन में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे हिंदी माध्यम वाले और इंग्लिश माध्यम वाले जो 2022 में भी मेंस लिखेंगे, क्या वो बच्चे नहीं है? ये बताओ, वो भी तो किसी माँ बाप के बच्चे हैं, वो भी तो तैयारी करने वाले हैं, जब वो बच्चा सरवाइव कर गया तो तुम क्यों नहीं सरवाइव कर पाए? क्यों? क्योंकि तुमने क्या करा, आराम करा, तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमने SSSC की तैयारी करी, तुमने वन लाइनर पढ़ा, तुमने पूरे साल भर MCQ सॉल्व करे, तुमने पूरे साल भर 5 5 6 6 हजार MCQ की सीरीज करी, तो तुम्हारा हाल उसी बच्चे की तरह होना है जो कल क्या करेगा, रो रो के नाटक करेगा कि भैया हमारे संग अन्याय हो गया, समझ में आया? और अगर तुम ईमानदारी से पढ़ोगे तो अन्याय होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी की गलती तुम्हें फायदा देगी,
और मैंने आपको पहले ही बता रखा है 6 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन 35,000 के आसपास ही बच्चे हैं जिनमें फाइट होनी है। 5,65,000 के आसपास बच्चे क्या हैं आपके, केवल क्या हैं, एमसीक्यू और यूट्यूब वाले, जो अपना भी ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। आप देख लेना, अपना भी बाहर है वो, उनका कुछ है नहीं। आपको लग रहा होगा इतना बुरा क्यों बोल रहा है टीचर हो के, पहली बात मैं टीचर हूं नहीं, ठीक है, क्लियर, मैं टीचर नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है ऐसा ही होता है और सत्य है ये। बहुत ही कम मास है जो तैयारी कर रहा है प्रॉपर, और वो जो पेपर को निकाल रहा है, बाकी सारे मास तो इधर से उधर झूल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप हमेशा समझना, और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैं बहुत सारी स्पेशल क्लास लेके नहीं आ सकता, क्योंकि मैं प्लस में बहुत ज्यादा क्लासे लेता हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, प्रीलिम्स के भी और सारे मेंस के भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और एकमात्र टीचर हूँ इस कैटेगरी में नहीं, पूरे अनअकैडमी में, जिसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का ग्रीन सिग्नल मिला है। आपको ये बात भी पता होगी, नए बच्चे हैं तो उसे कागज में लिख लें, एकमात्र टीचर पूरे अनअकैडमी में, यानी सारी कैटेगरी को, जिसको सब कुछ पढ़ाने का क्या मिल रखा है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। समझ में आया? और वो क्यों मिल चुका है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। ऐसे नहीं होता कि जो मुंह में आया कि हम ये पढ़ाएंगे, आज से कल ये पढ़ा देंगे, ना, उसका पूरा ऑडिट होता है, आपने कितने बच्चे सेलेक्ट कराए, उसके बाद जो है ये क्या मिलती है, उपाधि मिलती है, ठीक है। तो मैं उन उपाधियों में से एकमात्र प्रजाति हूं जो सारी चीजें पढ़ाने का दम रखता हूं, और क्वालिटी वाला। ट्रिपल एससी बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूं, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, केवल और केवल यूपीपीसीएस पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो जो यूपीपीसीएस वाले बच्चे हैं एमकेएस लाइव रेफरल कोड से आ सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी आना तो जो भी आपका गुरुजन है उनके रेफरल कोड से आओ, लेकिन प्लस की क्लास में आओ जरूर, क्योंकि प्लस की क्लास में ही अच्छी तरीके से तैयारी होती है। समझ में आया? मैं खुद कह रहा हूं, जो भी आपके गुरुजन हो, जिनको भी आप श्रेय देना चाहते हो, आओ, लेकिन कम से कम प्लस की क्लास में तो आओ। लेकिन अगर जब आपको कंपैरिजन करना हो तो कुछ बच्चों के रिव्यू देख लो कि साफ साफ उस बच्चे ने लिखा है कि वो कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से नहीं पढ़ा है, और ऐसे बहुत सारे रिव्यू हैं जो आपको आगे चल के दिखेंगे। स्पेशल क्लास 2 बजे है हमारी, उसमें हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।